हेलो एवरीवन, दिस इज़ कौशल कुमार फ्रॉम साइनोटेक एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर। मैं अभी हूँ हेबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और अभी मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि जो बच्चे अभी आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 साल के बाद, क्योंकि चाइना अभी ओपन हुआ है और यहाँ हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। अभी आप जा सकते हैं, पुरानी वीडियो भी अगर आप देखी होगी तो ये जो भी हेबी का हॉस्टल है ये अभी रिसेप्शन एरिया है। और अभी बस चेंजेस में क्या आया है मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो पहले ही कार्ड सिस्टम पहले भी था, बट अब है कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन के साथ ये खुलेगा और आप अंदर जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस आया है। और अभी हम हॉस्टल रूम में जाके बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे उनको कि अभी वो 3 साल बाद आए हैं चाइना में तो उनको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, और क्या दिक्कतें हैं या कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जब को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा, और आपको कोई भी सजेशन देना हो, क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करता हूँ, तो आपको अगर डायरेक्ट कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो हॉस्टल में चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं, आपको बच्चों की डॉर्म में रूम्स दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं HMU के हॉस्टल में, हेबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। काफ़ी 3 साल बाद आया हूँ मैं, लास्ट आया था 2019 में जनवरी में बच्चों को छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं आज फिर 2023 में जनवरी में ही आया हूँ। तो एग्जैक्ट मुझे 3 साल हो चुके हैं, और मैं देखता हूँ कि 3 साल में हॉस्टल में क्या बदलाव आया है, या सेम है या क्या है। तो सोच रहा हूँ कि आपको एक बार हॉस्टल भी दिखाऊँ, और जो बच्चे अभी मेरे साथ आए थे इंडिया से उनको जो शिफ्ट हुए हैं उनको भी दिखाता हूँ कि उनका क्या राय विचार है अभी कॉलेज के बारे में, कैंपस के बारे में, चाइना के बारे में। तो उनकी भी थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैं लेता हूँ, तो अभी आपको चल के हॉस्टल दिखाता हूँ, आप मेरे को फॉलो करें। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी, कब आए आप लोग यहाँ पे, कैसे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े धो रहे हैं। कितने दिन हुए हॉस्टल में शिफ्ट हुए? अभी तो कल ही आए, कल आए हैं आप लोग। तो फिर कैसा लग रहा है चाइना आने के बाद? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठंड नहीं लग रही आपको? लग ना इधर बाहर, मतलब हमारी आपसे मुलाकात शायद 3 साल बाद हो रही है। 3 साल बाद। ये कुछ बच्चे हैं जो सीनियर्स हैं 2018 बैच के, और ये हमारी जो इनसे मुलाकात हो रही है वो 3 साल बाद हो रही है, क्योंकि बच्चे इंडिया में थे और अभी आए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ड्री में ये लोग अभी अपने कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल शिफ्ट हुआ है तो 3 साल बाद हॉस्टल ही खुला है इनका, तो अभी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। चलिए आप लोग से बाद में मिलता हूँ, अभी और देखता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? काफी सही हैं। कैसे हैं आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया भैया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो आपसे बात करते हैं फिर, बताइए कैसा लग रहा है चाइना आने के बाद आपको? काफ़ी सही लग रहा है वैसे तो, बट बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है बिकॉज 3 साल बाद बहुत बड़ा स्ट्रेच हो गया है। पहले जी बार जी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, और मतलब 3 महीने रहे थे पहले स्टार्टिंग में, अब 3 साल का गैप होके वापस आए तो कुछ भी हो रहा है उतना, सेम टाइम स्ट्रेस भी है ऑब्वियसली, पढ़ाई है अभी आगे, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा क्लासेस, तो कोई ऐसा कन्फर्म है नहीं कि कैसा होगा। अब 3 साल बाद आया है तो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है, तो मैं एक चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट वो इंट्रो दे दें कि आप किस बैच में पढ़ रहे हैं और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम हरी नितेश है, वैसे तो बेसिकली तमिलनाडु से हूँ बट रहा हूँ मुंबई में बहुत साल, तो हिंदी और तमिल दोनों बोल सकता हूँ। जी, आप हर नितेश, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तमिलनाडु से हैं, तो अभी आप चाइना आए हैं तो 3 साल का गैप आपको हो गया है, आप 2019 बैच के स्टूडेंट हैं, तो अभी आपको 3 साल में क्या फील हो रहा है चाइना के अंदर में, क्या डिफरेंस आया है? डिफरेंस एज सच तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स वाइज देखा जाएगा तो है, सिस्टमेटिक तो कंट्री पहले भी था, रेगुलेशंस तो पहले भी थे, बट काफ़ी चेंजेस इसलिए लगा बिकॉज हम लोग इतना एक्सप्लोर किया नहीं था पहले 3 महीने में, अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो इट्स बेटर यू नो, हमको और ज़्यादा टाइम मिलता तो अच्छा लगता, बट जो भी अभी जो भी जितना हमारे पास बचते हैं उसमें हम लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे, एट द सेम टाइम स्टडी भी करेंगे। मतलब अभी आपके पास अब 2 ही साल का टाइम है, तो 2 टाइम में आप पढ़ाई भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे, तो अभी आप हैप्पी हैं चाइना आने के बाद, जी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में आने के बाद डेफिनेटली जी, अच्छा लग रहा है? 100%। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुमित, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान। अब जयपुर से हैं तब तो ठीक है, तो आपसे बात की जा सकती है थोड़ी सी। अब बताएं 2019 बैच में कि 18 बैच में आप? 19 19 बैच में हैं। तो सुमित आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है 3 साल बाद आप आए हैं चाइना,
अभी आपका कॉलेज खुल गया है अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आने के लिए वेट कर रहे थे तो 3 साल बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो। मतलब आप आने के लिए वेट कर रहे थे तो 3 साल बाद आप यहाँ आए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि अभी इंडिया में न्यूज़ चल रही है कोविड की कि काफ़ी कोविड है, ये है ये है वो है, मतलब मैं उस चीज़ों पे टॉपिक पे ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, तो आप जैसे आपके जूनियर्स हैं जो अभी HMU में एडमिशन लिए हैं जो आना चाहते हैं, या जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी वरी हो रहे होंगे कौन सा आ रहे होंगे, और अभी आप चाइना आ चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मतलब वो बताएंगे आप? यहाँ सब नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ कोविड का सीन नहीं है, सब कुछ ओपन हो चुका है, यूनिवर्सिटी खुल गई है, शॉपिंग मॉल वगैरह सब कुछ खुले हैं, कोविड तो है ही नहीं कुछ। आपके हिसाब से कोविड है ही नहीं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी फुल्ली खुल चुकी है। अच्छा आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई ऑफलाइन? नहीं अभी तो नहीं, एग्जाम हुए हैं तो अब होंगे थोड़े दिन बाद, नेक्स्ट टाइम। अभी विंटर वैकेशन चल रहे हैं इसका मतलब आपके? ठीक ठीक ठीक, तो आप अभी आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, 3 साल बाद आने के बाद। हाँ बहुत। तो आप ये तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम निशिकांत कुमार हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली बर्थ प्लेस बिहार है। तो आप दिल्ली से हैं, तो अभी आप कौन से बैच में पढ़ रहे हैं? 2019 बैच। तो निशिकांत आप 2019 में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप 3 साल के बाद ही चाइना आए हैं। इससे पहले जब आप चाइना आए थे तो कितने महीने आप चाइना में रुके थे? एक्चुअली मैं नवंबर में आया था और जनवरी एंड में मैं यहाँ से चेकआउट कर गया था, मैं यहाँ से चला गया था बिहार के लिए। तो आप 2019 में जब आए थे तो आप कितने महीने यहाँ रुके थे और आप इंडिया क्यों गए थे, मतलब कोविड की वजह से गए थे या फिर मतलब उस टाइम में समर वेके विंटर वेकेशन चलती है उसकी वजह से गए थे? एक्चुअली 3 महीने रुके थे, कोविड के कारण हम लोग इंडिया वापस चले गए थे। इसका मतलब आप 2019 के सीधे अब 2022 की एंड में आए थे और अभी 2023 में आप हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं, है ना? तो अभी 3 साल का पूरा गैप है आपके पास चाइना का, तो अभी आपको कैसा लग रहा है चाइना आने के बाद? 3 साल के बाद आप फिर से चाइना आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, हमारा जो भी स्टडी है वो रिज्यूम होगा, ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली अब मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगे। ऑफलाइन क्लासेस होंगे, तो अभी बताइए जो इंडिया के अंदर में चाइना के प्रति कोविड को लेकर र्यूमर्स हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो बेसिकली सब र्यूमर है न्यूज मीडिया का चाइना के खिलाफ या जो भी है न्यूज मीडिया का है, ऐसे कोई भी कोविड नहीं है, सारे रिस्ट्रिक्शन सारे लूज कुछ भी नहीं है, बाहर आउटसाइड फ्रीली घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है चाइना में? बहुत खुश हूँ, वापस आ गया हूँ, स्टडी करूँ और रिज्यूम करूँ। अभी आप जो आए हैं तो 3 साल के अंदर में कैंपस में कुछ चेंज आया है कि वैसे पहले जैसा ही है कैंपस, कुछ चेंज आया है? नहीं कैंपस तो नॉर्मल है, पहले ही जैसा है, कोई चेंज नहीं है। तो ये निशिकांत हैं जो दिल्ली से हैं बट बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और हेबई में 2019 के स्टूडेंट हैं, और ये 3 साल बाद कॉलेज के अंदर में आए हैं, और काफ़ी बच्चे जो आप देख रहे हैं सारे 2019 बैच का, जो अभी सबसे लेटेस्ट बैच आया है, अब जो बैच आएगा 2020-21-22, क्योंकि अभी तक सिर्फ हेबई के अंदर में 2019 तक के बैच ही आई है, उसके बाद 2020-21-22 बैच जो है थोड़ा डिले से आएगी आफ्टर विंटर वेकेशन। तो आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, जैसे अभी वो भी मतलब आप लोग आ गए, आप भी पैनिक थे अपने टाइम पे, अभी आप वो लोग भी पैनिक है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? आफ्टर मे बी आफ्टर स्प्रिंग फेस्टिवल मे बी कुछ हमारे जूनियर आएंगे वापस। आफ्टर स्प्रिंग फेस्टिवल बच्चे वापस आएंगे, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं 2019 बैच के हैं और सारे स्टूडेंट्स होपफुली सभी वापस आएंगे, और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी 2021-22 बैच का बच्चा जो ये वीडियो देख रहा होगा वो पैनिक ना हो, आप हेबई मेडिकल यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है, आप लोग विंटर वैकेशन के बाद आएंगे, ये आपके सीनियर्स हैं जो अभी आप जब कॉलेज में आएंगे तो आप इनसे मिलेंगे, तो अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे आराम से संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर बच्चों से बात करनी है तो आप इनके चेहरे देख सकते हैं वीडियोस में, बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और दो बच्चे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। रूम दिखा दो। हेलो बसुसु वो फाई सिपिंग नीलाय जली गा शमना खै सोशल तंगसी मा हाओ बा तागवे
तो फाइनली अभी हमने हॉस्टल में बच्चों से बात किया, आपको मैंने हॉस्टल दिखाया, अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, थोड़ा सा कैंपस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। जो कैंपस का वीडियो है मैं बहुत बाद बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो है अभी हॉस्टल आया था, थोड़े से रूल्स टाइट हैं, हर किसी को अलाउंस नहीं है, क्योंकि मैं इस कॉलेज के लिए काम करता हूं तो मैं आ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता है, और अंदर में जो रह रहे हैं वो अंदर रहेंगे और जो बाहर है वो बाहर रहेंगे, तो ये सिस्टम है। बट अभी आपने देखा कि बच्चे खुल आ चुके हैं चाइना के अंदर में, और अभी बच्चे और आएंगे, तो अगर आपको एब्रॉड स्टडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एब्रॉड स्टडी से वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।